बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खाटू श्याम स्थित चुलकाना धाम से देवेंद्र पुजारी मथुरा आए, जहां भूतेश्वर स्थित खाटू श्याम मंदिर पर खाटू श्याम सेवादार परिवार रजिस्टर मथुरा श्री श्याम सेवादार परिवार के द्वारा चुलकाना धाम के महंत को फूलों माला और पटका पहनाकर स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में खाटू श्याम प्रेमियों ने जय श्री श्याम के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। साथ ही आए चुलकाना के सरपंच और भजन गायक सोनू सावरिया का भी पटका पहनाकर जोरदार स्वागत और सोनू सावरिया ने भजनों को सुनाकर समा बांधा। चुलकाना धाम के महंत के द्वारा आज मथुरा में निमंत्रण दिया गया और कहा कि श्याम बाबा की रथ यात्रा 25 फरवरी को गंगा तट से शुरू की जाएगी, जिसका निमंत्रण समस्त खाटू श्याम मंदिरों पर दिया जा रहा है। और बताया कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, अगर भक्ति खाटू श्याम को मन से याद करते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान खाटू भक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मौजूद रहे खाटू श्याम सेवादार परिवार के संरक्षण राजीव अग्रवाल अध्यक्ष अजय अग्रवाल श्री खाटू श्याम भूतेश्वर मंदिर के महंत भवानी गिरी उपाध्यक्ष प्रियंका मल्होत्रा कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल संगठन मंत्री सुभाष अग्रवाल सचिव आलोक जैन मीडिया प्रभारी उमेश भदौरिया कार्यकारिणी सदस्य अंकुर अग्रवाल भूपेंद्र गर्ग अंशुल अग्रवाल अतुल अग्रवाल आशीष अग्रवाल गिरधर अग्रवाल मनोज अग्रवाल अजय गोला राजेश अग्रवाल और राम खंडेलवाल कृष्णा अग्रवाल अंकित आदि श्याम प्रेमी उपस्थित रहे। हुई बातचीत में शोभा यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए महंत देवेंद्र ने बताया। क्या नाम है और ये यात्रा जो चालू होने जा रही है कब से कब तक रहेगी? बोलिए। चुलकाना नरेश की जय, चुलकाना धाम की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं मदन शर्मा सरपंच चुलकाना आप सब से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और आप सबका यहां पहुंचने पर मैं स्वागत करता हूं। ये जो वैसे तो आप सबको विवरण में हमारे देवेंद्र पुजारी जी है इन्होंने आपको बता ही दिया है, लेकिन मैं भी आप लोगों से हाथ जोड़ के अरदास करता हूं कि ये जो भव्य यात्रा है माँ गंगा के तट से हरिद्वार से चलेगी, ये 25 फरवरी को चलेगी और 2 मार्च को चुलकाना धाम में पहुंचेगी। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, इसमें जितने भी श्याम भगत शामिल हो सके मैं उन सब का इस यात्रा में पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय श्री श्याम। जो भी मंडलों प्रेमी आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था? उनके लिए चुलकाना धाम की तरफ से सभी तरह की व्यवस्था मिलेगी, खाने की रहने की पीने की ये सब चुलकाना धाम की तरफ से रहेगी। और मैं तो बार बार अपना सौभाग्य मानूंगा, अपने गांव का सौभाग्य मानूंगा, चुलकाना धाम का सौभाग्य मानूंगा कि वहां पे श्याम प्रेमी जितने ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे। जैसा महाराज जी ने भी बताया रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ये तो थोड़ा कोई शुल्क रखा गया रजिस्ट्रेशन? नहीं, निःशुल्क रहेगा, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। और ये रजिस्ट्रेशन भी इसलिए है कि थोड़ा हमें पता चल जाएगा ये हमारे साथ कौन सा श्याम प्रेमी हमारे साथ चल रहा है। और इसमें मैं मानूंगा कि कुछ लोग तो है जो पूरे 7 के 7 दिन चलेंगे, लेकिन मेरी आज के टाइम में जैसे बिजी शेड्यूल होता है लोगों का, मेरी सभी से ये अपील है जिसके पास 25 से और 2 मार्च के बीच में जो भी टाइम हो, थोड़ा हो ज़्यादा हो, इस यात्रा में शामिल होना चाहिए उन सबको। मेरी यही सभी से अरदास है, धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU सभी प्रकार की CT स्कैन, X-ray, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।